नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 नवंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। TNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्तों, सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने अपनी फीस पेमेंट नहीं की तो आज लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके पास एक अंतिम अवसर है। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको पेपर देने का अवसर मिलेगा। कुछ टेक्निकल भी दिक्कतें हैं सीटेट में, तो उसमें आपको देखिए उसका नंबर दिया गया, लेकिन भैया सीटेट में कॉल तो लग नहीं पाती, लेकिन कोशिश करिएगा, लग गई तो बढ़िया है। अपनी प्रॉब्लम्स आप वहाँ बता सकते हैं। बाकी DLED स्कूटनी रिजल्ट को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है, 12 शिक्षकों समेत 21 लोगों की रोक दी गई सैलरी। जानेंगे अभी पूरा मामला। उसके बाद देखिए, 8 DC में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी माह जारी हो सकता है। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आएंगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर देखिए PNP की जो वेबसाइट है, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो थी 12/11/2022। ठीक है, इसको लेकर भी जो अपडेट आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों परीक्षा डेट शीट को लेकर आप देख सकते हैं, द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, इसको लेकर भी जो अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक PNP की तरफ से ऑफिशियल डेट शीट जारी नहीं की गई है और उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र करना है, बाकी जो भी अपडेट आती है, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। तो देखिए गाइस, अभी जो हमारा पेपर होगा वो DLED सेकंड सेमेस्टर का होगा, फोर्थ सेमेस्टर का होगा। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में एक बात बता दें, सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक आ जाती है। उसका रीज़न क्या होता है ना, कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता है वो आसान होता है, सेकेंड का उससे ज़्यादा कठिन होता है। अगर आप प्रथम सेमेस्टर में भी फेल हुए हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी करिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही में फिर देखिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान रखना है। बाकी देखिए होता क्या है, फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, बच्चों की गणित का कमजोर होना। सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ में फेल होते हैं और इंग्लिश। देखिए एक बात याद रखिएगा, हम ये दो सब्जेक्ट आपके सामने हमेशा इसलिए रखते हैं ना, कि इंग्लिश में भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप फेल हो सकते हैं। अब छोटी गलतियाँ क्या होती है, ज़रा समझिए पहले यहाँ पर आप लोग, कि जैसे मैथ होता है ना, कि जैसे 4 की जगह आपने गलती से 5 लिख दिया, तो भैया नंबर यहाँ पर एग्जामिनर आपके 0 कर सकता है, बस इतनी सी गलती थे। भले दोस्तों आपने x² + 5x जो भी सब कुछ सही से लिखा हो, लेकिन आंसर लास्ट में एक डिजिट भी चेंज होगा। जैसे 109 आंसर आना चाहिए, आपने 108 लिख दिया, लेकिन ऊपर आपका 108 सही निकला, लेकिन आपने आंसर मतलब 109 सही निकला, गलती थी, ये गलती कर दी, इतने से भी आपके नंबर 0 कर सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है, अधिकांश बच्चे फेल हो सकता है, इसी वजह से हो जाते हैं कि स्टेप मार्किंग का सही से ध्यान ना कर रखा जा रहा हो। और कुछ बच्चे होशियार होते हैं कि भैया ऊपर कुछ भी गलत लिख दे, लेकिन लास्ट में जो आंसर रहेगा उसको सही से बढ़िया ब्रैकेट से स्केच पेन से सजा के लिख देते हैं। तो बहुत बार एग्जामिनर की नज़र सिर्फ आंसर पर पड़ती है और आपके 2 नंबर या 1 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो फायदा भी है, नुकसान भी है। बाकी देखिए जो भी अपडेट आती रहेगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो देखिए, यूपी के लखीमपुर खीरी में गुरुवार को पहले शहीदी दिवस का स्कूलों में अवकाश था। इसके बाद देर शाम आए आदेश के बाद अवकाश रद्द कर दिया गया। इसके बाद भी शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंचे। इस बीच विभाग ने गुरुवार को रमिया बेहड़ व निघासन ब्लॉक के स्कूलों के निरीक्षण का सघन अभियान चला दिया। BSS सहित सभी BEO व जिला समन्वयकों की टीम ने स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में निघासन में 6, रमिया बेहड़ में 6 शिक्षक और 6 शिक्षा मित्र, 2 अनुदेशक व 1 अनुचर अनुपस्थित मिला। सभी का एक दिन का वेतन व मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया। मतलब सोचिए, पहले खुद ही सरकार छुट्टी करती है, उसके बाद खुद ही अवकाश को रद्द कर देती है। अब बताइए, जिसके पास उस समय मोबाइल नहीं रहा होगा या उस माध्यम से अपडेट उन तक ना आई हो, पहले अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए कि हमारा सीटेट की भैया लास्ट डेट है 25 नवंबर फीस पेमेंट की, अब सीटेट रातों रात कोई विज्ञापन जारी करे और कह दे नहीं हम 24 नवंबर तक ही ऑनलाइन विज्ञापन लेंगे, तो जिन बच्चों को पहले से पता था कि नहीं यार 25 ही आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लास्ट टाइम में डेट चेंज हो जाता है, उस वजह से भी बच्चों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप लोग जो परीक्षा की तैयारी है उसको अच्छे तरीके से करिए, लापरवाही गाइस नहीं करना है। लापरवाही में ही देखिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं बच्चों को। ठीक है, तो एक और अपडेट क्या थी हमारी, प्रयागराज से अपडेट थी कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती होगी। कॉलेज प्रशासन इसी माह नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे।
कुल 24 विषयों में यह भर्ती होनी है। कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान और विधि संकाय मिलाकर कुल 32 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि सृजित पद 165 है। तो ये सब बातें, तो वैकेंसी हर जगह थोड़ी बहुत आती रहती है। देखिए एक बात और आपको बता दें, केवीएस में केंद्रीय विद्यालय में भी संविदा पर कुछ वैकेंसी आती रहती है। तो देखिए गाइस, आपको जहां पर भी मौका मिले नौकरी पाने का, उसका फायदा उठाइए और नौकरी लीजिए। समय खराब करेंगे तो फिर देखिए दिक्कत होती है। काफी बच्चे कोचिंग के माध्यम से अच्छा खासा पैसा बना ले रहे हैं, ट्यूशन के माध्यम से बना रहे हैं, लेकिन देखिए रुकना नहीं है आप लोग को। 2018 के बाद अभी वैकेंसी नहीं आई, मतलब बताइए, जो बच्चे सिर्फ सोचोगे नहीं हमें सरकारी शिक्षक बनना, प्राइवेट या कोचिंग ये सब हम नहीं करेंगे या कुछ और काम नहीं करेंगे, सोचिए सबसे बच्चे बेरोजगार चल रहे हैं 2019, 2020, 2021, 2022, बताइए इतना लंबा समय निकल गया। ठीक है, तो जहां पर भी नौकरी मिले ठीक ठाक अच्छी सैलरी वाली, या जो आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि ठीक है आप संतुष्ट हैं, वो काम करते रहिए। ठीक है, समय खराब करने का कोई मतलब नहीं। एक और अपडेट देखिए जालंधर से आ जाती है। पता पूछने के बहाने 4 युवतियों ने युवक से किया दुष्कर्म। अब देखिए यहाँ पर एक अलग मामला सामने आ जाता है। तो हर तरह से अलग अलग अपडेट्स हर जगह से आती रहती है, इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोग अपडेट प्राप्त करते रहिए। बाकी हमारे YouTube चैनल तो है, आप तक वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएंगे, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। बाकी कुछ और खबर निकल कर आती है, ठीक है, तो हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। डीमोटिवेट मत होइए, मामला कोर्ट में चल रहा है, फेल छात्रों के लिए उम्मीद है कि अच्छी खबर ही जल्द निकल कर आएगी। ठीक है, तो जो बच्चे फेल हैं अभी बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। काफी बच्चे इस समय डर रहे होंगे, टेंशन में होंगे कि सर जी क्या हमें मौका मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। देखिए मामला कोर्ट में चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बच्चे अगर कोर्ट का सहारा ना लेते तो 6,800 सीटों पर जो ओबीसी आरक्षण घोटाला था, ठीक है, ओबीसी और एससी कैटेगरी में, ठीक है, तो वो घोटाला क्या सामने आ पाता। 1,000 जो सीटों पर एक अतिरिक्त मतलब मौका मिल रहा है नौकरी पाने का बच्चों को, एक नंबर से जो बच्चे फेल थे, क्या मिल पाता? तो बच्चे कोर्ट के सहारे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको बता दें पासिंग मार्क को लेकर बहुत विवाद था, 60-65% जो पासिंग मार्क लगी वो कोर्ट के सहारे ही पहुंची। ठीक है, अगर मामला कोर्ट में ना जाता तो क्या होता? 40-45 शिक्षा मित्रों की मांग थी कि इस परसेंटेज पर फाइनल कट ऑफ बने, अगर इस पर बनती तो शिक्षा मित्र अधिक पास हो जाते, डीएलएड और बीएड के छात्र कम से कम नौकरी पाते थे। ठीक है, तो ये सब मामला होता रहता है, तो कोर्ट पर भरोसा रखिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जल्द ही अच्छी खबर सामने आ सकती है। फिलहाल अभी जो सबसे पहले जारी किया जाएगा डीएलएड परीक्षा डेट शीट, और उससे पहले एक और अपडेट आएगी कि आप लोग का जो सेंटर है कौन कौन से जिले में बनने वाला है। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर का उम्मीद है कि हर एक जिले में बन जाएगा, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में हो सकता है कि जिलों की संख्या कम की जा सकती है, देखते हैं क्या होता है, इंतजार करिए। बाकी वेबसाइट आप जानते हैं, रिजल्ट के लिए सिर्फ dlredresult.com कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग अपना प्यारा सा रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करने की, याद रखिए लिख कर याद करने की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी रहती है गाइस, तो उसको भी थोड़ा अपना लीजिए यहाँ पर, तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुँचाते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।